हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। अभी हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसा वीडियो सीरीज शुरू किए हैं जो कि आपको इंडिया के किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। वो यूट्यूब का वीडियो सीरीज क्या है, एएलपी एग्ज़ाम जो है ना, एएलपी एग्ज़ाम 2018 जो सीबीटी वन एग्ज़ाम का चैप्टर वाइज हमने वीडियो सीरीज शुरू किया है। इससे पहले हम प्रतिशत का वीडियो डाल चुके हैं, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। फिलहाल आइए इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले, ये हमारे द्वारा लिखा गया मास्टर नोट्स है, आप अगर इसको पढ़ेंगे तो लोको पॉइंट जरूर आप पास कर जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, अगस्त 2018 में, तो उसमें 30 दिन एग्ज़ाम हुआ था। स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी तो एक दिन में सभी का एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं था, इसलिए 30 दिन एग्ज़ाम हुआ था और 30 दिन में टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे के द्वारा लाभ हानि चैप्टर में से। तो आइए सभी 22 क्वेश्चन को देखते हैं, आसान क्वेश्चन भी है, भारी क्वेश्चन भी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप लोग अगर लोको पायलट की तैयारी करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार कुछ अंडे 19 रुपया 20 पैसा प्रति दर्जन दर से खरीदता है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट के पास टाइम ज़्यादा नहीं है, वो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम किस तरह से करवाते हैं, बिल्कुल उसी माइंडसेट के साथ आप पढ़िएगा तो आपकी तैयारी कम समय में अच्छी हो जाएगी। या फिर जिसकी तैयारी हो चुकी है वो भी, मतलब चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं यहाँ पर उसको कीजिएगा तो आपकी तैयारी 100% होगी बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। एक दुकानदार कुछ अंडे 19 रुपया 20 पैसा प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। रेट क्या है अंडे का? 19 रुपया 20 पैसा। कितने अंडे का कीमत है? प्रति दर्जन, यानी एक अंडे का कीमत हो गया इतना बट्टा 12। 25% का लाभ पर बेच देता है तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना है? देखिए, खरीदा है दर्जन के हिसाब से और बेच रहा है पीस के हिसाब से, तो पीस, दर्जन को पीस में कन्वर्ट करने के लिए 19 में 12 से भाग देना पड़ेगा। और प्रॉफिट कितना चाहिए? प्रॉफिट चाहिए 25% लाभ। 25% लाभ को 125/100 लिखा जा सकता है, आप इसको 5/1, 5/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको कटाइए, 25 को 5 बार में कटेगा 25 को कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 12 एकम 12 और 12 6 72, यानी 1.6 आएगा यहाँ पे। 16 5 80, 8.0/4, यानी कि 4 × 8, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इतना ही चीज़ को आपको माइंड में ही करना है और किसी भी सवाल का जो हम बनाने वाले हैं यहाँ पे, सबका जो है सॉल्यूशन देंगे बिल्कुल एक लाइन में, तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आप इसको अपने पेपर और पेन पे अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्या कहता है कि 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया था। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे रुपया है और रुपया है, तो यानी कि हम निकालेंगे कि एक रुपया जो है कितना प्रतिशत के बराबर होगा। चूँकि 16% लाभ है तो 116% हो गया टोटल वैल्यू किसका? 435 रुपये का, इसलिए एक रुपये का वैल्यू ये होगा, इसलिए हमें चाहिए 330 का वैल्यू चाहिए प्रतिशत में। इसको कोई कटेगा तो कटा सकते हैं, फिलहाल तो ये 5 से कटेगा, 5 × 8 = 40 और 5 × 7 = 35, 5 × 36 = 36, 8 = 60, यानी कि 3 से कटेगा 29 बार में, 3 से कटेगा 22 बार में, ये 29 से कटेगा 4 बार में, तो 22 × 4 = 88। देखिए ये था 116% और ये क्या है? 88% है। क्या है? 88% है। देखिए ऊपर में आप जिसको लिखेंगे वैल्यू आपका उसी फॉर्म में आएगा, तो 116 क्या था? 116% था, इसलिए 88 क्या हुआ? प्रतिशत हो गया। अब देखिए क्रय मूल्य कितना होता है कोई भी चीज़? तो 100% होती है। अब ये 100% से कम है या ज़्यादा है? कम है, 12% कम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12%, ठीक है, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप भी क्वेश्चन को इसी रूप में बनाइएगा। अगर आपको पूरा सीखना है तो लाभ हानि का हमारा वीडियो YouTube में हम अपलोड किए हुए हैं, आप उसको देखिए। या फिर बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है तो हमारे स्मार्ट वीडियो कोचिंग क्लास को ज्वाइन कीजिए।
उन्नति को एक समान 696 में बेचने पर 13% की हानि हुई, 10% का लाभ पाने के लिए। देखिए 696 में बेचते हैं, 696 में बेचते हैं तो 13% की हानि होती है, यानी कि 13% हानि का मतलब 87%, तो 87% का वैल्यू ये हो गया। और हमें चाहिए क्या, 10% लाभ, तो 10% लाभ मतलब क्या हुआ, 110%। 110% को 11/10 लिखेंगे और आप इसको कटाइए तो कितना से कटेगा, 2 से 5 बार में, 2 से कटेगा, 2 3 6 2 4 8 2 8 16, ठीक है। अब ये कटेगा कितना बार में, 80, अब ये कटेगा 3 से कटेगा, 29 आएगा, 3 से कटेगा, 3 × 3 16 3 48 116, ये कटेगा 4 बार में, 11 × 44 = 44। इसको फिर से बनाते हैं, ये 696 जो है ना वो 13% हानि है, यानी 87% के बराबर है। हमें चाहिए वैल्यू किसका, 10% लाभ पाने के लिए उस सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए, 10% लाभ चाहिए यानी 110% चाहिए, और सॉरी यहाँ परसेंट नहीं होगा, यहाँ पे प्रतिशत नहीं होगा, हमें 110 का वैल्यू चाहिए, 110 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो हमको उसका 110% नहीं निकालना था, हमें उसका 110 का वैल्यू चाहिए था। इसको कटेगा 3 से, 29 बार में जाएगा, 3 से कटेगा, 3 × 9 और 3 × 6, अब ये कितना बार में जाएगा, 29 8 × 9 = 72, 8 बार में जाएगा, कितना बार में, 8 बार में, 11 × 8 = 88 अब क्या बोल रहा है कि सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए, तो पहले कितना था 696, इसमें माइनस कर लीजिए, 10 में 6 गया 4 और 9 = 17, 9 + 8 = 17, 7 में 6 गया 1, 184 रुपया उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, 184 रुपये इसको बढ़ाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 की खरीदी थी और इसे 12.5% के भाव पर बेच दिया था, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यानी कि इसको 96 में खरीदा और 12.5% लाभ पे बेच दिया, यानी 112%, इसको आप 112 यानी 11/25/1000 लिख सकते हैं, पॉइंट को हटा करके बट्टा में 10 और बढ़ा दिए हैं। अब इसको कटाइए, 25 से कटेगा, 25 × 100 = 125, 25 × 100 = 125, 25 × 100 = इतना, यानी 9/8। अब आप याद रख लीजिए कि 125/1000 का जो वैल्यू होता है 9/8 होता है, और मैथ के स्टूडेंट को प्रैक्टिस कर मतलब बनाते बनाते ये सब याद ही रहता है, 112% का जो वैल्यू होता है 9/8 होता है, हमें याद है, आप लोग को सिखाने के लिए इतना करके आपको दिखाए हैं। 8 से कटेगा, ये 12 बार में, 12 × 9 = 108 हो जाएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा 108। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टोटल 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन में से ये 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, कमल ने इस्तेमाल किए गए स्टूडियो की पुनः बिक्री पर 12.5% कमाया, 12.5% कमाया का क्या मतलब हुआ कि 12.5% उसने लाभ प्राप्त किया। यदि उसने स्टूडियो को 1680 का खरीदा था, 1680 में खरीदा था, ठीक है, और 12.5% का लाभ कमाया, यानी 112% यानी कि 112 यानी 12.5/1000 यानी कि 9/8। अभी जस्ट पीछे का क्वेश्चन में किया है इतना चीज़, 8 से 8 × 16 = 8 = 9 189 189 और 9 = 18 189 0, तो कितने में बेचा, 1890 में बेचा, कितना बेचा, 1890 में बेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, टोटल क्वेश्चन 22 है, आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 और लाभ प्रतिशत 8% है, तो इसका क्रय मूल्य कितना था।
देखिए 2592 जो है ना, 2592 वो क्या है, वो 8% लाभ के बराबर है, यानी कि 8% लाभ के साथ उसका विक्रय मूल्य है। इसका मतलब क्या, 2592 जो है 108 का वैल्यू है। कितना का वैल्यू है, 108 का। और हमें चाहिए इसका क्रय मूल्य, यानी इसका 100% का वैल्यू चाहिए, इसका 100 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब इसको कटाइए, 4 से कटेगा, 4 दुना 8, 4 सत्तर 28, 4 से 25 बार में ये जाएगा। अब ये कटेगा 27 से, 9 से कटाइए, 9 तिया 27, 3 नवा 27, 3 से 3 अठे 24, 3 छक 18, 3 चौक 12। अब ये कटाइए 9 से, 9 नवा 81 और 9 छा 54, 96 गुने 25, तो 25 छका 150 हासिल 15, और 25 नवा 225 और 15, 225 15 240, यानी कि 2400। इसका क्रय मूल्य कितना था, 2400 रुपया, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किसी उपयोग किए गए फोन को 6160 में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम प्राप्त हुई। राजन को 5% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। आरआरबी एएलपी एग्जाम सीबीटी 1 एग्जाम अगस्त 2018 का क्वेश्चन है ये। 6160 में बेचा है, 6160 में बेचा है, में उसको बेचा है और 44% कम प्राप्त हुई, मतलब कि 44% कम का मतलब 56% उसको प्राप्त हुआ है, और इसको 5% का लाभ भी चाहिए, यानी इसको 105 पर बेचेगा। अब इसको कटाइए, ये कटेगा कितना से, 7 अठे 56, 7 से कटेगा, 7 अठे 56, 7 अठे 56 880, ये आएगा 110 बार में, तो 110 गुने 105, 0 11 पचे 55 और 11 55 0 पे बेचेगा उसको। ठीक है, आगे समझ में बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन को हम एक लाइन में ही बनाएंगे, और अगर वो उस लाइन का कैलकुलेशन थोड़ा इजी हुआ तो उसको हम माइंड में बना देंगे, और आपको भी यही चीज़ सीखना है। एक बिजली का बल्ब 4200 में खरीदा, इसका मूल्य 8% प्रतिवर्ष की दर से कम होता है, एक वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, यानी 4200 का 92%, 4200 का 92%, और 92% को क्या लिखेंगे, 23/25 लिखेंगे, 25 से कटेगा ये, तो 42 गुना 4 बार में कटेगा, तो देखिए क्या लिखेंगे, 4 गुना 28 को 42 से गुना किए, मुँह जवानी गुना करने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ले, मतलब बांट दिए हैं, 23 गुना, देखिए 23 को 42 से गुना कीजिए पहले, 23 गुना 46 हासिल 4, 23 चौका 92, 4 96 और गुना 4। अब इसको कहिए 6 चौक 24 दो 26, 9 चौक 36 दो 38, 3864 में उसको बेचेगा, कितना बेचेगा, 3864 में बेचेगा। चलिए आप लोग अगर हमें लोकोपाइलट एग्जाम तक फॉलो कर लिए तो बिल्कुल आप लोकोपाइलट बन पाइएगा। बहुत ही ज़्यादा वीडियो हम अपलोड करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपको लोकोपाइलट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला। चलिए फिलहाल हम लोग लॉस एंड प्रॉफिट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपया है को 15% हानि पे बेचा जाता है, यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य बताइए। देखिए 1200 रुपये इसका कीमत है और वो वस्तु खराब है, तो उसको 15% हानि पे बेचा, यानी 85% में बेचा, और 85% को क्या लिखेंगे, 17/20 लिखेंगे, 17/20 लिखेंगे, और दोबारा से इसको 5% और उसका कीमत कम किया तो 95% में बेचा, 95% को क्या लिखेंगे, 19/20 लिखेंगे, 19/20 लिखेंगे। ठीक है, 20 से तो 20 कट जाएगा, 4 3 12 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 17 3 51 गुने 19 से कम 19 का 9 हासिल 1, 19 5 95 1 96, 969 में उसको बेचना पड़ेगा, कितना में बेचना पड़ेगा, 969 में, 969 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, साहिल ने 20% के हानि पर किसी वस्तु को 280 में बेचा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था,
ये जो 280 रुपया कीमत है वो क्या है, वो 80% का वैल्यू है। 80 × 100, 20 × 84, 20 × 5 = 100, 4 × 7 = 28, 7 × 5 = 35, 350 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना आसान भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये आप सोच भी नहीं सकते। रघु एक खिलौने को 45 में खरीद के उसे 15% के लाभ पर बेच देता है, खिलौने का विक्रय मूल्य बताइए। 45 में खरीदा और इसको 15% लाभ, यानी 115%, 115% को क्या लिखते हैं, 23/25 लिखते हैं, 5 से कटाइए, 5 आएगा, 5 × 9 = 45, 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18, 2 = 20, 260/5, 5 × 4 = 20, 5 × 1 = 5 और 5 × 6 = 30, और 5 × 20, 5 × 5 = 20, 5 × 4 = 20, 41.4। बीस पंचे 100 होता ना, यहाँ 20 होगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 51.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 51.5, 4 × 5 = 20 और 4 × 1 = 4 = 30, 75 आएगा। कभी कभी हो जाती है आप छोटे सी मिस्टेक करके पूरा एक नंबर गंवा देते हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम में ऐसा गलती नहीं करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते चलिए कितना आसान क्वेश्चन है या फिर मुश्किल क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में। चलिए बनाइए, यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचा, यदि उसने उसे 57 ज़्यादा में बेचा होता तो 20% का लाभ होता, 30% लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। यहाँ पे देखिए, कोई वस्तु को 10% नुकसान पर बेचा जाता है, यानी 90% में बेचा जाता है, और क्या बोल रहा है कि 90% नुकसान में नहीं बेच करके उसको अगर 57 रुपया ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ हो जाएगा। तो देखिए, 10% हानि और 20% लाभ के बीच का अंतर कितना है, 30% का अंतर है। कितना का अंतर है, यानी 90 और 120 का अंतर कितना है, 30% का। इसका मतलब क्या हुआ, जो 57 जो है वो 30% का वैल्यू है, कितना का वैल्यू है, 57 जो है वो 30% का वैल्यू है। तो ये 1% का वैल्यू इतना आ जाएगा, हमें चाहिए किसका, 30% लाभ चाहिए, 30% लाभ का वैल्यू चाहिए। तो 30% लाभ मतलब 130%, 130% को 13/10 लिखेंगे। ठीक है, अब आप इसको कटाइए, 3 से कटेगा 10 बार में, 3 से कटेगा 19 बार में, 13 को 19 से गुणा कीजिए, 19 × 3 = 57 हासिल 5, 19 × 19 = 5 = 24, 100 / 100 = 247। सॉरी, यहाँ पे ये गलती आज तो हमें हमसे हो रही है बार बार। यहाँ पे देखिए, 1% का वैल्यू इतना है, हमें चाहिए कितना, 130% का वैल्यू चाहिए ना, 130% का वैल्यू चाहिए। तो इससे ये कट जाएगा, 19 को 13 से गुणा कीजिए, 19 × 3 = 57, 19 × 19 = 5 = 24, 247 आपका आंसर है, 247 आपका आंसर है। उसका हम यहाँ पे 130% तो निकाल नहीं रहे थे, 130 का वैल्यू हम निकाल रहे थे। चलिए आगे से वो गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन 13 है, क्या कहता है, सेम वही क्वेश्चन जो पीछे था। ययाति ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दी, यदि उसने इसे 49 अधिक में बेचा होता तो 22% का लाभ होता। तो 13% हानि और 22% लाभ के बीच का डिफरेंस कितना है, 35%, और 35% का जो वैल्यू है 49 अधिक है, यानी 49 का जो वैल्यू है वो 35% के बराबर है। तो हमें चाहिए 30% का लाभ, यानी 130 का वैल्यू चाहिए। 7 से कटेगा, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 5 से कटेगा, 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 30, 26 को 7 से कटेगा, 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 30, 7 × 6 = 42, 7 × 2 = 14, 4 = 18, 182 आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, टोटल 22 क्वेश्चन है, अब सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन बच गया है। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बनाइए क्वेश्चन को। अंकित ने एक वस्तु को 12% के हानि के साथ 220 में बेच दिया, 10% लाभ चाहिए हमें। देखिए, 220 में बेचा है, 12% हानि, 12% हानि मतलब 88% में बेचा है, 88 का वैल्यू इतना है, तो हमें चाहिए 110% का वैल्यू, 10% लाभ चाहिए, तो 110 का वैल्यू हमें चाहिए। इससे ये कट जाएगा, सॉरी 0 तो कटेगा नहीं,
11 से कटेगा 8 बार में, 11 से कटेगा 10 बार में, और ये 8 दुना 16 24 पॉइंट आएगा आंसर। चलिए 8 से कटाते हैं, 8 दुना 16 24 60, 8 सत्तर 56 पॉइंट 5, यानी कि 275 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 275। लेकिन कितना उसके वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था? पहले 220 में बेचता है और अब बेचेगा उसको 275 में, तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 55 रुपया, 55 रुपया उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल ने एक सेकेंड हैंड स्टूडियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टूडियो को 1500 में खरीदा था तो उसने इसे कितना बेचा? आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम अगस्त 2018 का क्वेश्चन है ये। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, 1500 में खरीदा है, 16% उसको लाभ चाहिए, यानी 116% पे उसने उसको बेच दिया है। इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, 15 6 90, 15 × 15 और 9 9 5 14, यानी 24 हासिल दो, 15 × 15 दो 17, 1740 में बेचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कहता ये है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1500 में खरीदा, 12% लाभ पे बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन जैसे है, 1500 में खरीदा और 12% लाभ पे बेच दिया, 112% का वैल्यू निकालिए। 15 × 30 15 × 15 = 17, 15 × 15 = 16, 1670 में उसको बेचा, कितना? 80 में, 15 × 15 = 3 18 होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रघु ने 66 रुपये में खिलौने खरीदने के बाद इसे 15% लाभ पे बेच दिया, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? अब इधर बहुत आसान क्वेश्चन है, 66 में खरीदा, 15% लाभ पे बेच दिया, यानी 115% में बेचा है, 23/20, 4×5 = 20, सॉरी 2 × 2 = 20, 2 × 3 = 33, 23 × 3 = 69 और 23 × 3 = 69 और 6 = 75, 75.9 में बेचा उसको, कितना में बेचा? 75.9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कहता भाई? यदि किसी व्यक्ति ने 60 में एक वस्तु को खरीदकर 25% लाभ पे बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? बहुत आसान है, 25% मतलब 4/4, तो 60 का 4/4 कितना? 15 × 4 = 7, तो 60 और 15 कितना? 75 में उसको बेचेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या कहता है? दीप्ति ने 175 में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए उसने 161 में बेच दिया, दीप्ति को कितने प्रतिशत की हानि हुई? 175 में खरीद के 161 में बेचता है तो कितना रुपये हानि करता है? 14 रुपया का हानि करता है, 14 को हानि होती है 175 में, इसका प्रतिशत निकाल देंगे। 25 से कटेगा 4 बार में, 25 से कटेगा 7 बार में, 7 × 14 4 × 8 प्रतिशत क्या होगी? हानि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। 10% का लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 था, 370 में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती? अब देखिए रुपया में निकालना है, 440 जो है ना वो 110% का वैल्यू है, तो 370 का वैल्यू क्या होगा? कटाइए इसको, 11 × 4 = 44, 37 × 4 7 × 28 और 4 × 3 = 12 = 14, 1480। लेकिन कितने परसेंट की हानि हो गई? एक मिनट, हाँ
देखिए, एक सौ दस परसेंट का जो वैल्यू है वो है 440, 370 में बेचता है, तो 440 जो है सॉरी इसका उल्टा होगा ना, 110% जो है वो 440 के बराबर है, तो एक रुपया का वैल्यू इतना परसेंट होगा, इसलिए 370 जो है वो कितना के बराबर होगा, ये कटेगा चार बार में और ये जाएगा चार से, चार नवा 36, चार दुना 8, 25, यानी कि 92.25% में उसको बेचेगा, तो यहाँ पे लॉस होगा कितना परसेंट का लॉस होगा, 7.75 का लॉस होगा, कितना होगा 7.75 का लॉस होगा। ओ पाँच आएगा 92.5, ठीक है, समझ में आ गई, इस तरह क्वेश्चन पीछे बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अब ये लास्ट का पहला क्वेश्चन है, अब इसके बाद क्वेश्चन लास्ट हो जाएगा। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 में एक चाय का सेट बेचा, लागत कीमत से 43% कम था, 3420 में बेचता है, 3420 में बेचता है जो कि लागत कीमत से 43% कम था, ये कितना परसेंट था, 57% था, 100 में 43 माइनस किया कितना आएगा, 57 आएगा, 10% का लाभ चाहिए, इतना का 110% निकाल दिया, 3 से कटेगा 19 57, 3 से कट, 3 कम 3 12, 19 6 114, 60, 11 6 66, 100। अब देखिए कितना अधिक में बेचना पड़ेगा, तो 3420 में पहले बेचता था, तो 3420 इसमें माइनस कर लीजिए, 80 5 में 4 गया 1 और 6 में 3 गया 3, 3180 रुपया उसको अधिक में बेचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या कहता है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, दीपाली ने कप का एक सेट 375 में खरीदा, लेकिन बाद में इसने पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेच दिया, उसे कितने परसेंट नुकसान हुआ। तो देखिए 375 में खरीद के 345 में बेच रहा, तो हानि हुआ कितना का, 30 रुपये का, 45 30 75 होता है, 30 रुपये की हानि होती है 375 कीमत पे, इसलिए इसका 100% निकाल लिया, ये कटेगा 15 से, 15 दुना 30 और 15 दुना 30 और 15 पचे 75, 25 चौका 100, 4 दुना 8% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो नेक्स्ट में, तो ये रहा आपका पूरा लास्ट तक क्वेश्चन, 28 मिनट के अंदर में हमने 22 क्वेश्चन का आपको सॉल्व करके सिखा दिया, इसी टाइप का क्वेश्चन सीबीटी, मतलब यही जो क्वेश्चन था सीबीटी 1 एग्जाम लाभ हानि का क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगला चैप्टर होगा आपका देखिए बट्टा और साझेदारी में से क्वेश्चन नहीं पूछा, एक दो क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस हिसाब से आपको ये भी डेटा मिल रहा है कि कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से चैप्टर में से नहीं, आने वाले समय में सब कुछ क्लियर कर देंगे। फिलहाल आप लोग को मास्टर नोट्स लेना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। देखिए इस मास्टर नोट्स को हमने काफ़ी मेहनत से बनाया है, ये आप लोग के लिए है, आप अगर इस मास्टर नोट्स को पढ़ लेंगे पूरा 90% तक क्वेश्चन हम आपको गारंटी देते हैं एग्जाम में इसी में से आएगा। इसका ये सभी 8 किताब का जो कीमत है वो 2500 रुपया है, डिलीवरी चार्ज आपको नहीं लगेगा, ऑल इंडिया डिलीवरी होती है, डिलीवरी के लिए अपना एड्रेस इस नंबर पर भेज दीजिए, कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी और आपके भाषा में मिल जाएगी नोट्स, हिंदी इंग्लिश गुजराती मराठी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ उड़िया बंगाली ये सब भाषा में नोट्स अवेलेबल है, उसको हमने खुद लिखा है, आपके घर तक वो पहुंच जाएगी, वो इस तरह के बॉक्स में पहुंचेगा, इस तरह के बॉक्स में पहुंचेगा वो, ठीक है। तो आप इस मास्टर नोट्स को लीजिए और मास्टर नोट्स जो है वो इस रूप में आपको बना हुआ मिलेगा, ठीक है, तो इसको आप लीजिए और आप अपनी तैयारी को दीजिए एक नई ऊंचाई। थैंक यू सो मच, आपको फिर से मिलते किसी और वीडियो में, बाय।